फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े, बड़े अंधविश्वास में पड़े। कहीं किसी का पूजन हो रहा है, कहीं किसी का पूजन हो रहा है। एक कारण है, हम हर किसी की बात पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते। अगर किसी ने झूठा भी बोल दिया कि वो देवता दे रहे, समझ लो लंबी लाइन लग गई, लंबी लाइन, सब लोग ले रहे हैं, थोड़ा हम भी ले आए। और मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती है, मैं तो सोचता हूं परमात्मा अब होने वाला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा होए मेरे करतार और बन गयो खेल निरालो का, मेरे करतार बन गयो खेल निरालो। कैसो क्या दशा है? अब जियत बाप को बाप न पूछे, माता पिता जब तक जीवित है कोई मतलब नहीं, और जैसे ही मरे सवेरे सवेरे को पानी पिलाओ जाता है। क्षमा करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं, जीवित पर अगर कभी आपने पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो सच बताना, क्या ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? अब पुत्रों का तो कहना ही क्या है भाई, गरीब माँ बाप के अगर पांच बेटे हैं तो माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने पांचों बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है तो पांचों मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं खिला पाते, और बच्चों ने तो अपने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया है। बताइए, और बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनका तो कहना ही क्या भाई, क्या कहें, माता पिता बूढ़े हो गए, उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कभी जाके देखना, बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की सूरत देखने के लिए तरसते हैं, रोते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप घर पर भूखे बैठे रहे और हम जाके भंडारा करें, मैं देखो किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं, पहले अपने माँ बाप को देखो, मैं उसका विरोध नहीं करता। अगर माँ बाप घर पर प्यासे बैठे हैं और उधर भोले बाबा पर तुम जल चढ़ाओ, क्या वो स्वीकार होगा? उसका कोई मतलब है? उसका कोई महत्व है? सबसे बड़ा तीर्थ जो है वो है माँ बाप, सबसे बड़े अगर भगवान है वो है माँ बाप, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अच्छा अपना खुद का जो बेटा होता है, अपना अगर बेटा है, सच बताना कितना प्यारा होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसकी तकलीफ हम नहीं देख सकते, उसको दुखी नहीं देख सकते, तो जब हम अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते, मुझे मेरा बेटा प्यारा है तो हम भी तो किसी के बेटे हैं। बताइए हम उसके लिए कितने प्यारे रहे होंगे। माँ बाप इनकी कदर करो। कभी कहते छत के ऊपर फेंक
क्या दसा दशा देखी हुई है, सब लोग देख रहा था। फर्क इतना है कि हम लोग कह देते तुम लोग कातना, बस देखकर तो सभी लोग रहा था। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा होते तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती। हाँ, पूजा की गजमत करो, पूजा की गजमत करो। अक्सर करके देख लीजिए हिंदुओं में और सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों में, क्षमा करें जो हमारी माता बहनें बैठी हैं, ये ना सोचे कि मंजस बुराई का, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे चतुर चालाक हैं, होशियार हैं, फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। मैं बुराई नहीं कर रहा, हमारी समझ में तो एक दूसरी बात आई का, अगर कोई चीज खैबे की इच्छा है समझ ले पूजा शुरू, कोई चीज खैबे की इच्छा है पूजा शुरू, और भगवान की दुआ से पड़ी जल्दी जाओ सुपार सलू तो हो जाते। अच्छा एक बात ध्यान हो, अच्छा पहले कुछ साल पहले एक बात चली और दोबारा हमने भय बात फिर से देखी, दोबारा लगभग 5-6 महीना पहले, कौन सी मैं बताऊं, पहले चली बड़ी तेजी से बात चली, साली अपने जीजा के लिए बर्फी लेके जाए, भाई चाला की भाई बात देखो, का बची बचाई जीजा के पास